स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइडियल लेव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने फिर से जो नेक्स्ट यूनिट है जिस सीरीज को हमने स्टार्ट किया था ब्रिज कोर्स 2022-23 सेशन के लिए क्लास 9 की जो इंग्लिश स्टूडेंट्स वर्कबुक है उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी या नेक्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर 2 है उसको लेके आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पहली यूनिट थी अल्फ़ाबेट नॉलेज के बारे में वो अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना किसी देरी के हम सेकेंड यूनिट का जो है लर्न मोर वर्ड्स उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेकेंड यूनिट में हमसे क्या पूछने की कोशिश की गई है और हमें यह यूनिट क्या सिखाना चाहती है। तो सेकेंड यूनिट का जो बी पार्ट है ना, लर्न मोर वर्ड्स, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ढेर सारे शब्दों को सीखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डू वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ, मतलब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। यदि मान लो आप कहीं गए, मतलब आप किसी नए प्लेस में गए या किसी नई जगह में गए और नए दोस्त बने, तो अपने आप का आपको सबको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है ना, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे, इसके बारे में हमें जानने के बारे में बताने की कोशिश की गई है। फिर इसी में बताया गया, लेट्स रीड व्हाट मीरा एंड अनिल से अबाउट देमसेल्फ, मतलब यहाँ पर एक तरफ मीरा है और एक तरफ अनिल है, दोनों एक दूसरे से कुछ बातें बता रहे हैं, तो हमें उनके बारे में देखना है कि वो एक दूसरे से बातचीत क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीरा क्या बोल रही है। दिख रही है आपको मीरा, दिख रही है ना, ये देखो ये मीरा है, देखो ये अनिल है, दिख रहा है ना ये कर्सर जो जा रहा है। देखो मीरा क्या बोलती है, आई एम मीरा, मतलब मैं मीरा हूँ, आई लिव इन मध्य प्रदेश, लिव यानी रहना, मैं कहाँ रहती हूँ, मध्य प्रदेश में रहती हूँ। फिर अनिल क्या बोलता है, आई एम अनिल, आई लिव इन बिलासपुर, मतलब मैं अनिल हूँ और मैं बीजापुर में रहता हूँ। ठीक है ना, ये बीजापुर लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जहाँ आप अपना नाम लीजिए, आई एम, आपका नाम जो भी हो, आई एम राम, आई एम श्याम, डेजेज जो भी आपका नाम हो, और आप जहाँ पे रहते हो, चाहे आप सिवनी में रहते हो, चाहे आप बैतूल में रहते हो, चाहे बिलासपुर में रहते हो, चाहे भोपाल में रहते हो, तो उसमें लिख दीजिए आई लिव इन भोपाल, बिलासपुर, बैतूल, सिवनी, डेजेज। ठीक है, फिर यहाँ पे यदि हम नेक्स्ट पिक्चर देखें तो नेक्स्ट पिक्चर में फिर मीरा क्या बोलती है, माई मदर नेम इज़ शकुंतला, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मीरा अपनी मम्मा का नाम बता रही है, मम्मा का नाम बता रही है, सबके मम्मा का नाम होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रही है, माई मदर्स नेम इज़ शकुंतला। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो अनिल है वो अपने फादर्स का नाम बता रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, माई फादर्स नेम इज़ ज्ञानचंद, क्या बता रहा है वो, अपने पिता का नाम ज्ञानचंद। तो आप यहाँ पे यदि आपको अपने आपको इंट्रोडक्शन करना है तो आप यहाँ पे अपने, जैसे यहाँ पे शकुंतला है मीरा की मामा का नाम, तो आप अपनी मम्मा का नाम लिख सकते हो, ठीक उसी प्रकार अपने फादर का नाम यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस जो ये जो चैप्टर है इसमें हमें नए शब्द सीखना है और इन शब्दों की मदद से हमें अपना जो भी इंट्रोडक्शन है वो रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है ये जानें। ठीक है, वी नो सम वर्ड्स डेट्स टू रिलेशन, मतलब यहाँ पे हम कुछ शब्द सीखने की कोशिश करेंगे जिनकी मदद से हम अपने संबंधों को बता सकते हैं, जैसे भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर मतलब आपके जो कजन भाई होगा, चाचा का लड़का होगा उसको क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में हम सीखेंगे, चाची को क्या बोलते हैं, चाचा को। तो बच्चों बिना किसी देरी के हम नए शब्द को सीखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं ना एक एक करके। जो सबसे पहला शब्द है यहाँ पर फादर है, फादर का मतलब होता है पिता। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है मदर, मदर का मतलब होता है माता। सन, सन का मतलब होता है पुत्र। डॉटर, डॉटर का मतलब होता है पुत्री। सिस्टर, सिस्टर यानी बहन। ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। ग्रैंडफादर यानी दादा। ग्रैंड मदर यानी दादी। ग्रैंडसन यानी पोता। ग्रैंड डॉटर यानी पोती। ब्रदर इन लॉ यानी साला। सिस्टर इन लॉ यानी साली, या मौसी भी, सिस्टर इन लॉ मौसी भी हो सकता है और साली भी हो सकती है। ब्रदर इन लॉ यानी मामा भी हो सकता है। अंकल यानी चाचा भी हो सकता है और मामा के लिए भी उपयोग करते हैं। आंट मामी के लिए भी उपयोग करते हैं और चाची के लिए भी उपयोग करते हैं। नाइस भतीजी के लिए उपयोग करते हैं। नेफ्यू भतीजा के लिए उपयोग करते हैं। कज़िन चाचा या चाची के लड़के या मामा के लड़की लड़का या लड़की के लिए करते हैं। डॉटर इन लॉ यानी ये पुत्र वधू के लिए उपयोग किया जाता है, जो बहुएँ रहती हैं उनके लिए। फादर इन लॉ यानी ससुर के लिए उपयोग किया जाता है। मदर इन लॉ यानी सास के लिए उपयोग किया जाता है। और सन इन लॉ यानी दामाद के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये नए शब्द हैं, अभी एक दिन में तो आपको याद होंगे क्या, नहीं होंगे ना, आप इनको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे याद करने की, तो आप इन्हें, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो शब्द दिए गए हैं इनकी मदद से हमें एक फैमिली ट्री बनाना है। क्या बनाना है, फैमिली ट्री। आपने ट्री देखा होगा ना, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप सबसे नीचे किसको रख दें, अपने जो दादाजी हैं ना उनको रख दें, ग्रैंड फादर को। ठीक है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को। फिर उन, अब जैसे मान लीजिए कि आपके जो दादाजी होंगे या दादी होंगी उनसे कितने बच्चे हुए, यदि किसी से तीन चार हुए
है ना, या दो तीन हुए, जो भी हुए, तो आपके एक एक मतलब फादर हो गए, आपके एक अंकल हो गए, एक आपकी बुआ हो गई, ये तीन हो गए। फिर आपके अंकल के कुछ अंकल की मैरिज किसी से हुई होगी तो वो आपकी आंटी हो गई। फिर अंकल और आंटी के एक दो लोग होंगे, मतलब एक उनका सन होगा, एक उनकी डॉटर होगी, तो वो दो हो गए। फिर आपके फादर और मदर से आप दो हुए हो गए तो आप दो हो गए। इस तरीके से आपको एक ट्री बनाना है। फिर आपके बुआ के हो गए, ठीक है, इस तरीके से आपको कैसा मतलब ट्री का निर्माण करना है, जिसे हम फैमिली ट्री के नाम देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको फैमिली ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा, और ये फैमिली ट्री हमें बनाना किसकी मदद से है, जो ऊपर हमने जो वर्ड सीखे हैं ना उनकी मदद से। ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी किए आगे बढ़ते हैं। और जब भी आप ये शब्दों को पढ़ेंगे तो लाउडली पढ़ना, ताकि आपका प्रोनंसिएशन बेहतर हो सके। ठीक है, यदि आप प्रोनंसिएशन नहीं कर पाएंगे तो आप उतने बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, और जब आप प्रोनंसिएशन अच्छे से करेंगे तो आप लिखेंगे भी बहुत हद तक, आप सही भी लिखेंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करना कि बोल के पढ़ो। अब यदि हम जो यूनिट टू है उसकी हम एक्टिविटी डी में आ जाते हैं, किसमें, डी में, जिसमें यहाँ पर माई रेबिट रन सबे, यहाँ पे खरगोश के भागने के बारे में बताया गया है। रेबिट यानी क्या होता है, खरगोश होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माई रेबिट रन सबे, यानी मेरा खरगोश भाग गया। ठीक है, तो अब इस यूनिट में क्या करना है, या इस एक्टिविटी में, लुक एट द पिक्चर, यानी पिक्चर की तरफ देखना है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें अप्रोप्रिएट वर्ड, ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड से फिलअप कर दिए, जो वर्ड अप्रोप्रिएट है, यानी जिस जो जैसे मान लीजिए कि ये देखो ये क्या है, एक फैमिली को शो करता है, तो ये जो फैमिली है इस शब्द को हमें इस ब्लैंक में फिलअप करना है, ये कहलाएगा अप्रोप्रिएट वर्ड। और यदि हमने इस फैमिली का डायग्राम बनाया है या पिक्चर बनाया है, उसकी जगह किसी और वर्ड को पुट कर दिया या फिल कर दिया, तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो हमें ध्यान से डायग्राम देखना है और उसी को ब्लैंक में फिलअप करना है। ठीक है ना, आसान है कि नहीं, तो हमें डायग्राम देखना है, पिक्चर देखना है और उसको फिलअप करना है। चलो तो फिर सब करते हैं, है आसान। तो देखो माई, फिर ये जो पिक्चर बना हुआ किसका बना हुआ है, यहाँ पे देखो एक फादर है, मदर है, और एक छोटी सी डॉटर है, फिर यहाँ पर दो ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, तो ये किसका पिक्चर हो गया, किसका पिक्चर, क्या शो कर रहा है, ये फैमिली को। यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लैंक में, माई फैमिली हैज़, ये देखो ये क्या लिखा है, थ्री, तो यहाँ पे हमें फिर क्या ब्लैंक में फिल क्या कर देंगे, थ्री, थ्री यानी तीन, माई फैमिली हैज़ थ्री पेट्स, पेट्स यानी क्या होता है, पालतू, क्या होता है, पालतू। वी हैव, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे एक डॉग बना हुआ था बट उतने अच्छे से पिक्चर क्लियर आई नहीं है, तो यहाँ पे डॉग है, वी हैव अ डॉग, मतलब हमारे पास एक डॉग है ना, कुत्ता, एक कुत्ता है, ये देखो ये रैबिट है, आर रैबिट यानी एक खरगोश है, ये देखो ये मछली है, तो आ फिश, मतलब वी हैव अ डॉग, आर रैबिट एंड आ फिश, मतलब हमारे पास एक कुत्ता, एक खरगोश और एक मछली है। दिस वीक इट इज़ माई जॉब टू क्लीन द पेट, यहाँ पे ये जो ये एक हाउस बना हुआ है, ठीक है ना, ये क्या बना है, एक हाउस बना है। दिस वीक यानी इस सप्ताह, वीक यानी सप्ताह होता है, इट इज़ माई जॉब, यह मेरा मतलब इस सप्ताह मेरा जॉब क्या है, कि जो पेट एनिमल्स हैं, हमारे यहाँ पेट है ना, जैसे खरगोश हो गया, ये मछली हो गई, कुत्ता हो गया, इनके जो रहने का स्थान है उसे क्लीन करना, उसे क्या करना, क्लीन करना। आई यूज़ अ ब्रश एंड वाटर विथ सोप, उसे क्लीन करने के लिए मैं एक ब्रश, ये देखो ये ब्रश का डायग्राम बना हुआ है, और देखो ये सोप, ये पानी का डायग्राम बना है पिक्चर, है ना, और ये सोप का, तो मैं उसे कैसे साफ़ करूँगा, एक ब्रश की मदद से, पानी की मदद से, और सोप यानी साबुन की मदद से, और सोप की स्पेलिंग क्या है, एस ओ ए पी। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। दिस वीक द रैबिट, ये देखो रैबिट का पिक्चर बना है, गॉट लूजेस एंड हाइड अंडर ग्रैंडफादर्स बेड, तो इसमें क्या हुआ, इस सप्ताह जो खरगोश था उसे मैंने लूज बांधा हुआ था, तो वो ग्रैंड जो ग्रैंडफादर है यानी मेरे दादाजी हैं, उनके बेड के नीचे जाके हाइड यानी छुप जाता है। देन इट वेंट इनसाइड अ बॉक्स, ये देखो ये बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद वह एक बॉक्स के अंदर, मतलब अंदर चला जाता है, एक बॉक्स रहता है ना, जैसे आपने बहुत सारे बॉक्सेस देखे होंगे, जो बड़े बड़े कार्टून के बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर वो जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट ही फेल इनटू अ, ये देखो ये एक होल है, उसके अंदर वो गिर जाता है, फेल यानी गिरना, इनटू यानी अंदर की तरफ। नेक्स्ट ही फेल इनटू अ होल इन द फ्लोर, तो मतलब वो एक बोलना चाहिए होल के अंदर गिर जाता है। आई ग्रैब्ड हिम एंड पुट हिम बैक इन टू हिज हाउस, मैं उसे पकड़ता हूँ और उसे पुनः उसके हाउस में ला के रख देता हूँ। जब भी आप इसे मतलब इससे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें तो जोर जोर से बोल के करना, ताकि आपका जो प्रोनंसिएशन है वो बेहतर हो सके। ठीक है बच्चों, तो हमने पिक्चर्स की मदद से इस ये जो पूरी एक्टिविटी थी उसको कम्प्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो इस ये भी जो एक्टिविटी है वो इंटरेस्टिंग है यूनिट टू की। इसमें है नेक्स्ट यूनिट जो नेक्स्ट एक्टिविटी वो क्या बोलती है, इंटरेक्टिव क्लासरूम, मतलब यहाँ पे जो क्लासरूम है उसके बारे में हमको इंटरेक्शन करना है और उसके अकॉर्डिंग कुछ जो एक्टिविटी दी गई है उसको फुलफिल करना है। ठीक है ना, तो हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें
यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पिक्चर देखना है। क्या करना है, पिक्चर देखना है, ठीक है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, मतलब जो नीचे दी गई पिक्चर है उसे देखना है और कंप्लीट करना है डायलॉग किसके बीच, बिटवीन एन के बीच, किसके, रवि और मीना के बीच, रवि और मीना के बीच में, ठीक है। तो हम इसे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो पहले हम डायग्राम ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर अब डायग्राम की बात करें तो देखो ये देखो एक टीचर है ना। यहाँ पर वो किसके बारे में डिस्कशन कर रही है, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पर वो एप्पल के बारे में डिस्कशन कर रही है, ये एप्पल बना हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पे डेस्क में बैठ के मैम कुछ डिस्कशन कर रही हैं और कुछ आपको एक्सप्लेन कर रही हैं बच्चों को, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हमने भी डायग्राम ध्यान से देख लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलो यदि आपने डायग्राम ध्यान से देख लिया है तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के आप डायग्राम ध्यान से देख लेना, तभी वो आपको क्वेश्चन आंसर बनेंगे। यहाँ पे किसके किसके बारे में डिस्कशन किया गया है, मतलब रवि और मीना के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, उनको लेकर एक पिक्चर को देखना है और उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फुलफिल करना है। तो देखो पहले पहले की हम बात करें तो पहले देखो रवि, रवि क्या बोल रहा है, हु इज़ टीचिंग इन द क्लास, हु यानी कौन, क्लास में कौन टीच कर रहा है। फिर मीना आंसर करती है, मिस्टर या मिसेस ब्लैंक इज टीचिंग इन द क्लास। देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, कोई मेल टीचर पढ़ा रहा है या फीमेल टीचर, तो आप ध्यान से देखेंगे तो फीमेल टीचर पढ़ा रहा है, कोई मैम है ना। तो हम यहाँ पे फिल क्या कर लेंगे, मिसेस शर्मा इज टीचिंग इन द क्लास, यानी यहाँ पे शर्मा मैम हमें क्लास में पढ़ा रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रवि पूछता है, व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड, आप रवि पूछता है कि आपने बोर्ड की में क्या देखा, व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड, सी यानी देखना, किसमें, बोर्ड में। तो मीना आंसर करती है, देयर इज अ पिक्चर ऑफ एप्पल ऑन द बोर्ड, मतलब बोर्ड में सेब का पिक्चर है, किसका पिक्चर है, सेब का। फिर रवि पूछता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, हाउ मेनी यानी कितने, स्टूडेंट्स यानी बच्चे, क्लासरूम यानी कक्षा, यानी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो हमने काउंट किया था। तो फिर मीना आंसर करती है, देयर आर 8, कितने थे बच्चे वहाँ पे, 8 यानी 8, देयर आर 8 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कितने बच्चे थे, 8 बच्चे थे। फिर रवि अगला क्वेश्चन पूछता है, मतलब इन दोनों के बीच में डायलॉग चल रहा है, डायलॉग यानी बातचीत, उसे हम हिंदी में बातचीत बोलेंगे। रवि बोलता है, वेयर इज द बुक, रवि पूछता है बुक कहाँ रखी है, तो मीना आंसर करती है, द बुक, बुक यानी पुस्तक, इज ऑन द टेबल, यानी पुस्तक टेबल के ऊपर रखी हुई है। आप भी जब स्कूल जाते होंगे तो आप टेबल के ऊपर किताब रखते पढ़ते होंगे ना, तो सेम यही मतलब यही बातें वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर रवि अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हेन डू यू कम टू स्कूल, रवि मीना से पूछता है कि आप स्कूल कब आएंगे या कब आए थे, तो मीना आंसर करती है, आई कम यानी आना, आई कम टू स्कूल एट 9 o'clock, मैं 9 o'clock को स्कूल आती हूँ, ठीक है बच्चों। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ पूछते हैं, रवि पूछता है मीना से, वाई आर यू हैप्पी, तुम हैप्पी यानी क्या होता है, खुश, हैप्पी यानी क्या होता है, खुश, वाई आर यू हैप्पी, मतलब तुम खुश क्यों हो, तो मीना आंसर करती है, आई एम हैप्पी बिकॉज, मतलब हैप्पी यानी खुश, बिकॉज यानी क्योंकि, आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर इंजॉइंग, इंजॉइंग यानी क्या होता है, इन्जॉय यानी मतलब इन्जॉय करने का मतलब ये होता है कि आपको मनोरंजन करना, ठीक है, या फिर अच्छा फील होना। तो आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर इन्जॉइंग द क्लास, मतलब जो क्लास में मैम पढ़ा रही ना एप्पल के बारे में या और भी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं, उनको सीख के हमें अच्छा महसूस होता है, इसलिए मैं खुश हूँ। फिर अभी क्वेश्चन पूछता है कि मीना, विच इज़ यूर फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा, सब्जेक्ट यानी विषय, मतलब तुम्हारा सबसे पसंदीदा विषय कौन सा है, तो मीना आंसर करती है, हिंदी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे रवि और मीना के बीच में डायलॉग में बातचीत हो रही थी जिसमें हमें पिक्चर्स को देख के आंसर करना था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जो यूनिट 2 थी उसकी जो एक्टिविटी थी या एक्सरसाइज थी ई नंबर की, इंटरेक्टिव क्लासरूम, उसके बारे में आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैंने जो भी चीज़ डिस्कस किया होगा, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या इंटरेक्टिव क्लासरूम का डायलॉग हो रवि और मीना के बीच में, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो इस सीरीज़ को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आइडल देव क्लासेस को यदि आपने बोलना चाहिए सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।